क्या हो रहा है ये? क्यों बैठ रहे हो आप? खाना काहे में बनाएंगे फिर हम? खाना कैसे बनेगा फिर अगर चूल्हा फूट गया तो? ये बताओ, खाना कैसे बनेगा? क्या? हाँ, ये टूट रहा है, अब आप और तोड़ दोगे ज्यादा। देखो, आपके पापा जी फिर डांट लगाएंगे आप में। क्या? छी, साफ करो हैंड। किसको बताओगे? क्यों? पापा जी तो ड्यूटी पर हैं, कब आ जाएंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो फिलहाल आज मेरे लिए मॉर्निंग गुड नहीं है, बैड है, और नाइट भी बैड रही है, क्योंकि लाइट बिल्कुल भी, पूरे गांव में लाइट नहीं है। सब लोग बिल्कुल परेशान हैं पानी से। ये क्या हो रहा है बेटे? ये देखिए इधर, इसकी शैतानी। चूल्हे के ऊपर रखा है ये पीढ़ा, इसी के ऊपर आप बैठ गए। बेटे क्या कर रहे हो आप? अभी आ रही है माजी, पीटेगी। देख लो, ये चूल्हा फोड़ रहे हैं। आली माजी, ये देखिए इसकी शैतानी, कभी चूल्हे के ऊपर बैठना, कभी पीढ़ा रखना, यही चलता रहता है इसका पूरे दिन। कब की गई ये लाइट? कल दोपहर की, रात 8 बजे लाइट चली गई थी। पूरी रात लाइट नहीं आई है और सुबह से अब तक नहीं आई है। पानी के बगैर हो रहे बिल्कुल परेशान, क्योंकि रात को तो टंकी नहीं भरते हम लोग, सुबह टंकी भरते, क्योंकि सुबह भैंसों वगैरह, भैंसों को पानी पिलाया जाता है और बाकी काम होता है, तो फिर जब टंकी भर लेते हैं, रात को भरते, फिर सुबह इन कामों को करते हैं, तो फिर पानी को। मेरी बेटी आ गई, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं बोलना, ऊपर जा रहे हो, आराम से जाना, मंकी ना हो ऊपर, मंकी ना हो ऊपर, आओ। 20 तो यहीं पे है, 20 20 जाओ ऊपर, जाओ 20, चलो ऊपर लेके जाओ, बुला के बोलो 20 आओ, 20 चलो ऊपर, क्योंकि 20 ऊपर चली जाती है तो सारे बंदर भी होते तो वो भाग जाते हैं। मैं तो ऊपर जाती हूँ तो 20 को साथ में लेकर जाती हूँ, क्योंकि बंदरों को भगा देती है। तो उसके बाद में तो सुबह जब काम होता है तो आधा पानी तो टंकी में चढ़ा देते और आधे से काम कर लेते हो। क्या बेटे? ठीक है, जाओ। दादू भी है ऊपर ही, आराम से जाओ। 20 चलो ऊपर, ऊपर चलो, चलो ऊपर जाओ, जाओ आप भी, नहीं आराम से जाना, आराम से। की वजह से हम नहीं भरते शाम को, तो ऐसा क्या पता था कि आज लाइट नहीं आएगी। वो पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, पर जैसे तैसे काम, मैंने तो अंदर दोनों टंकी खाली हो गई हैं, थोड़ा बहुत अंदर वाली टंकी में तो पानी है, तो मैंने उसी से एडजस्ट किया है। आज मैंने पोछा भी खुल कुल 1 बाल्टी में पोछा लगा दिया सारे घर में, और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए, क्योंकि वो ये अगर आप कर दे तो ठीक है, फिर लाइट लेट आएगी तो मेरा सारा काम लेट हो जाएगा। फिर मैंने उसकी वजह से पोछा वगैरह तो सारा कर दिया है, और बाकी का काम नहाना धोना सब लाइट आने के बाद ही होगा। वैसे ये बात है कि जब जो चीज़ नहीं होती उसकी तब अहमियत होती है, आज पानी की बहुत अहमियत पता चल रही है, वरना जब तो हम जहाँ एक मग्गे की जरूरत होती है हम 2 मग का यूज करते हैं। तो उसके बाद सारी परेशानी एकदम आई है। रात कल एसी भी ख़राब हो गया है, पता नहीं एसी की मोटर फूकी है क्या हुआ है, एसी ख़राब हो गया है, और दोनों बैटरी भी डाउन हो गए हैं। पूरे घर में अंधेरा। सुबह मोमबत्ती जलाई थी मैंने, मोमबत्ती जलाने के बाद तब काम किया, झाड़ू वगैरह, बर्तन पोछा वगैरह सब काम मोमबत्ती जला कर किया, और अजीब सा लग रहा था, दो दो मोमबत्ती जलाई किचन में, फिर भी पूरा चांदना नहीं हो रहा था। पर कोई नहीं, कभी कभी ये सब तो चलता रहता है लाइफ में। और उसके बाद अभी जैसे ही लाइट आती है सारा काम तब होगा,
बेटी क्या कर रहे हो आप, सारा चूल्हा फूट जाएगा मेरे। इसकी शैतानी, बहुत ज्यादा शैतानी होती है इसकी, सारा चूल्हा फूट गया। और पिटोगे भी अब आप, हटो पीछे पीछे हटो जल्दी हटो, तो फिर खाना कैसे बनेगा। हटा लो इसको, ये विवान इतना शैतान है कि ऐसे ऐसे काम करता है। अभी विवान ने कुछ ही टाइम हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 दिन हुए होंगे, उससे ज़्यादा हुए होंगे, ऑल आउट की शीशी उठाकर ऑल आउट पी ली। आपने ऑल आउट पी थी? ना। गंदी बात होती है, एक पल के लिए तो डर गई थी, फिर जैसे तैसे इसके हाथ में मुंह में आए। वैसे तो ये वोमिटिंग नहीं करने वाला बच्चा, वैसे नहीं करता। लाइट आ गई विवान, लाइट आ गई। अभी मैं बात ही कर रही थी और लाइट आ भी गई है, पर थोड़ी देर पापा गए थे बिजली घर में तो वहाँ पे पता किया, तो उन लोगों ने बोला कि थोड़ी देर के लिए गांव गांव में लाइट छोड़ेंगे, क्योंकि पूरे गांव में लाइट नहीं है, तो पूरे गांव में थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। बोले खेतों वगैरह पर हम लाइट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ शायद कुछ खराबी आ रही है बिजली घर में, पूरी रात खराबी रही है कुछ उसकी वजह से। और जैसे ही विवान ने, मैं तो अंदर थी, विवान ने बताया कि जो मैंने ऑल आउट पी, मुझे कड़वी लगी, मैंने थूक दी, तो फिर एकदम तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गई। मैं तो सुनकर कि अब क्या होगा। उसके बाद फिर इन्होंने कई जगह बात की थी डॉक्टर के साथ में और स्टोर वाले उनके साथ में, तो उन्होंने बताया कि बच्चे को जितनी हो सके आप उल्टी करा दो। तो इसने वैसे तो उल्टी नहीं करी थी, फिर मैंने इसके मुंह में अपनी उंगली डाल डाल कर इसे ज़बरदस्ती उल्टी कराई थी 2-3। उसके बाद जब जाकर फिर रात को जगी रही, में भी कमी कुछ दिक्कत ना हो जाए, वो नहीं हो जाए, रात का टाइम था। फिर उसके बाद में कोई दिक्कत वैसा वगैरह कुछ नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो मैं आप सभी से बोलूँगी अपने बच्चों की पहुँच से बिल्कुल दूर रखें, मैंने भी दूरी रखी थी, पर ये जंगले जो होते हैं, जंगले पर चढ़ाए विमान, चढ़ने के बाद फिर ऊपर से उसने उतारी है, तो मैं वहाँ पर भी नहीं रखती। वहाँ पर मेज भी थी, तो मेज भी मैंने हटा दी है बाहर वाले रूम में, उसमें से मेज को भी हटा दिया है, क्योंकि बच्चों का यही रहता है। तो चलिए अभी कर लेती हूँ मैं और बाकी के बचे हुए काम। अभी डस्टिंग वगैरह सारी रह रही है, पोछा तो मैंने लगा दिया है, डस्टिंग रह रही है, मैं अभी डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद और बाकी के काम करूँगी। आपसे मिलूँगी फ्रेंड्स, मैं हूँ भी इधर रेडी नहा धोकर, और अभी मैंने पहनी आज ये वाली साड़ी, और ये वाली साड़ी वाकई बहुत अच्छी लगती है, बहुत लाइट वेट है, सिल्क में है ये। और ये वाला ब्लाउज इसका नहीं है, इसका ब्लाउज मैंने अभी सिलवाया भी नहीं है, सोच रही हूँ खुद सिलूंगी। तो मैंने ये वाला ब्लाउज रेडीमेड ब्लाउज पहना है इस पर, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है इस पर। तो चलिए इस साड़ी का फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। काफी अच्छी है, काफी लाइट वेट है, देखिए पेन का पता भी नहीं चलता, और बिल्कुल सिंपल। मुझे ज्यादातर ऐसी सिंपल साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, और पल्लू भी काफी अच्छा है इसका। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, आज लाइट की वजह से थोड़ा लेट हो गई थी, तो इसकी वजह से अभी फिलहाल मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद जाऊंगी किचन में, देखती हूँ खाना वगैरह बनाना है अभी। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, फिलहाल करती हूँ मैं पूजा। और फ्रेंड्स, पूजा भी हो गई है मेरी, और मैंने चूड़ी नहीं डाली है यहाँ पर, एक एक कंगन ही डाला है, क्योंकि मुझे कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो घर में एक ही कंगन ठीक है, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो यहाँ पर मम्मी बना रही थी आटा, जो कि गेहूँ परसों हमने धोए थे तो वो सूख गए थे, तो यहाँ पर लाइट आई हुई थी तो मम्मी आटा पीस रही थी। वैसे तो चालू पापा ने करी थी, फिर पापा जी बाहर चले गए तो फिर मम्मी ने किया था सारा। तो यहाँ पर ऐसे बीच में मोटर रखी है, जिससे कि दोनों साइड का काम हो जाता है, तार भी कट जाता है और यहाँ से आटा भी पीस जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसका घर में चक्की रखने का भी प्रॉफिट है, सारा काम जब मन करे तब आटा पीस लो। अब तो ज़्यादातर सब लोग घर पर ही कर लेते हैं।
और यहाँ पर मम्मी लेके आई थी बाहर से धूप में से गेहूँ, जो कि अभी चार पार पर ही डाल रखे थे। और यहाँ पर ये थैला जो लगा रखा है इसमें आटा भर जाता है, तो मम्मी ने इसको खाली किया है। अब साथ के साथ फिर इसमें और आटा भर जाएगा और मम्मी इसमें साथ के साथ यहाँ पर आटा ये आटे वाले जो तास है इनमें मम्मी डाल रही थी। तो इसमें ये घर पर पीसने का आप जब भी टाइम लगे जब भी पीस लो, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वरना बाहर चक्की पे लेकर जाते थे गेहूं को तो वो भी टाइम देते कि चार दिन बाद मिलेगा, दो दिन बाद मिलेगा। तो इसमें घर पर ये तब मन करे तब पीस लो अपना। और यहाँ पर मम्मी अच्छे से सारा भर देती हैं साथ के साथ। तो हम जब भी आटा बनाते हैं ऐसे दो तास हैं, उन दोनों को भर लेते हैं, तो काफ़ी टाइम के लिए बहुत होते हैं ये। और अभी बनाना है मुझे खाना, अभी मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं बनाऊँगी खाना अभी क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है। और मम्मी बोल रही हैं आप सबको यहाँ पर हेलो। तो मुझे एकदम से याद आया कि आज है हिंदी दिवस, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे दूं। तो हैप्पी हिंदी दिवस, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बनाई थी मैंने खाने में कढ़ी, कढ़ी के साथ खाली रोटी बनाई है और चावल वगैरह कुछ नहीं बनाया है। और पता नहीं मेरी आंखों में पे ये चश्मे लगाए भी नहीं जाते, यहाँ पे दर्द होने लगता है, पता नहीं कब जाके आदत पड़ेगी, पर लगाने मुझे ज़रूर हैं क्योंकि फिर और ज़्यादा नंबर मेरा बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। नीचे भी कर लेती हूँ, यहाँ पे भी कर लेती हूँ, ऊपर भी कर लेती हूँ, जिससे कि निशान भी ना पड़े, निशान भी पड़ जाते हैं। और मुझे लगा मेरी नेल पेंट बिल्कुल छूट गई है, मैं वो भी लगाऊंगी। और अभी मुझे रखनी है, रखूंगी, देखूंगी, शाम को मशीन रखूंगी कपड़े सिलने, क्योंकि मुझे कई सारे अपने जो मेरे प्लाजो थे पहले सिले हुए उनको सही करना, वो मैंने उधेड़ तो लिए, वो काफ़ी टाइट थे, तो अब उनको ठीक करूंगी मैं। मैंने वो लास्टिक मंगाई भी है, उसमें थोड़ा उसको जोड़ दूंगी, तो वो करूंगी। तो चलिए थोड़ी देर में, अभी मुझे वीडियो की एक एडिटिंग करनी है, पहले मैं एडिटिंग करूंगी, उसके बाद फिर और बाकी का काम कुछ करूंगी। वैसे तो किचन का वगैरह तो सारा काम फिनिश हो गया है मेरा, बस खाली कुछ कपड़े पड़े वो प्रेस के लिए देखूंगी। तो चलिए पहले करती हूँ मैं एडिटिंग, उसके बाद फिर कुछ और करूंगी।